आज सुबह एक बड़ा ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया, यूक्रेन के ऊपर हमला बोलने का। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक बुला सकते हैं, इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि रूस के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं। हालांकि रूस हर मुसीबत में भारत के साथ खड़ा रहा है, लेकिन ऐसे में भारत एक अजीब विकट स्थिति में है कि दो दोस्त अगर आपस में लड़ रहे हैं तो हम क्या करें। ऐसे में ये बैठक बहुत अहम हो जाती है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद बुला सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखकर नीरज पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, देखिए जैसे कि मैंने जिक्र किया, भारत के लिए बड़ी विकट स्थिति है, क्योंकि एक तरफ रूस जो परम मित्र है और दूसरी तरफ यूक्रेन, उसके साथ भी रिश्ते बेहद अच्छे हैं। ऐसे में ये बैठक बहुत अहम हो जाती है, क्या जानकारी? यूक्रेन और रशिया के बीच में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में भारत के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि किसके साथ रहें किसके साथ ना रहें। इस ऐसी स्थिति में जबकि यूक्रेन में भारत भारतीय समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो पढ़ने के लिए वहां गए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हालातों का जायजा लेने के लिए और क्या आगे की स्ट्रेटजी हो इसके लिए शाम को 6 बजे के आसपास एक बड़ी बैठक कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल वो चुनावी दौरे पर हैं प्रयागराज में। प्रयागराज से निकलकर जब दिल्ली पहुंचेंगे तो आज एक बड़ी बैठक कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ABP News आपको रखे आगे।